नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं आपका इंटरेस्टिंग चैनल देव टेक। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो कोई एक ब्राउज़र ओपन हो जाता है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है। तो देखिए मैं किसी एक लिंक पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने देखा इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देखिए लिंक देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा ब्राउज़र ओपन होगा। तो देखिए ये वीवो ब्राउज़र ओपन हो रहा है, यानी कि मेरा मोबाइल फ़ोन वीवो का है तो इस ये ब्राउज़र ओपन हो। अब मैं चाहता हूँ कि गूगल क्रोम ओपन हुआ करे, यानी कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम हो। तो उसके लिए करना क्या है, आपको एक सेटिंग करनी है। आपको देखिए अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर ही वो ऑप्शन होता है, किसी किसी मोबाइल फ़ोन में वो ऑप्शन आपको दिमाग लगाना है कहाँ पर है। मेरे मोबाइल फ़ोन में देखिए मोर सेटिंग के अंदर है। जब आप मोर सेटिंग के अंदर जाएंगे, चलिए मोर सेटिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ आपको दूसरे नंबर पर एप्लीकेशंस लिख रही है, इस पर क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशंस के अंदर आप यहां देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग, यहां देख लीजिए डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग, यानी कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या रखना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहां आपको ऊपर से तीसरा ऑप्शन ये दिख रहा है ब्राउज़र का, इस पर क्लिक कर देंगे। ब्राउज़र पे आप देखिए ये ऊपर वाले पे टिक है, यानी कि वीवो ब्राउज़र। अब मैं चाहता हूँ मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम हो जाए, यानी कि मैं कोई भी लिंक ओपन करूं तो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो। तो मैंने यहां से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया है। आपको देखिए ये सेटिंग आपके मोबाइल फ़ोन में यहीं कहीं मिल जाएगी, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा और आपको ये सेटिंग्स मिल जाएगी। किसी किसी फ़ोन में कहीं पर भी होती है, लेकिन ये सेटिंग्स मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर ही मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ बाहर ही मिल जाएगी। मेरे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर थी मोर सेटिंग्स के अंदर जाकर, एप्लीकेशन के अंदर जाकर और डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग के अंदर जाकर। और अब देखिए मैं उस लिंक पर क्लिक करके बताता हूँ और आपको ये देखिए दोबारा से मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ब्राउज़र ओपन होता है। जब मैंने इस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं आपके सामने वीवो ब्राउज़र ओपन नहीं हुआ है, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्रोम ब्राउज़र है, देखिए क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए google.com खोल के मैं बता देता हूँ कौन सा ब्राउज़र ओपन हुआ है। तो इस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाकर आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। दोस्तों ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय।